नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस बारे हम बात करेंगे अभी आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। जिस तरह से मार्केट में गिरावट होता है तो इसमें पैनिक क्रिएट होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं गिरावट में दूर भागते हैं। दोस्तों गिरावट पे ही ध्यान रखना है कि जहां गिरावट थमता है, जहां गिरावट रुका वहीं मार्केट में एंट्री करना होता है। अभी जो मार्केट गिर रहा है यहां आपको अपना नजर लगाए रखना है, जैसे मार्केट में गिरावट रुकती है आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो यही मार्केट में एंट्री का सबसे बेस्ट समय है। जो मार्केट जब थम जाता है गिरावट, तो गिरावट के थमने का इंतजार करना है। अभी मार्केट कंटिन्यू है गिरावट, तो अभी कंटिन्यू है गिरावट तो सिर्फ देखेंगे, जैसे गिरावट थमती है, गिरावट रुकती है वैसे हम मार्केट में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी, इसमें गिरावट। आप ऊर्जा ग्लोबल देख लीजिए, इसमें भी गिरावट। ये सारे स्टॉक जो थे लगातार अपर सर्किट हिट कर रहे थे, अभी देखिए मार्केट में जैसे गिरावट आया दो दिन तो इसमें गिरावट शुरू हो गया। तो देख सकते हैं गिरावट दो दिन से लगातार, इसमें भी गिरावट। तो ये जो पैनिक शेयर्स है जिसमें आप काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे पसंदीदा शेयर होता है जो छोटे शेयर होते हैं, मतलब जो प्राइस में छोटे होते हैं। दोस्तों प्राइस में छोटा होना दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी होनी चाहिए मतलब जो 10 रुपये से कम है उसमें आपको काफ़ी कम कंपनी वैसे होंगे जो आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो पैनी स्टॉक्स है वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है उसमें तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन स्टॉक पैनी है तो लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस अच्छा रिटर्न देता है, मतलब बिजनेस अच्छा रिटर्न देता है, तब आपका जो स्टॉक है, शेयर है, वो रिटर्न देगा। आप उल्टा मत सोचें कि स्टॉक रिटर्न देता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा सेल्स करता है तो आपको शेयर में, स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सुजलॉन एनर्जी यहाँ वन ईयर में आप देख लीजिए, वन ईयर में इसका रिटर्न कितना है, तो वन ईयर में 154% का रिटर्न। फाइव ईयर्स में देखिएगा तो फाइव ईयर्स में देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मैक्सिमम ईयर में तो कभी ये स्टॉक 400 रुपीज़ का हुआ करता था, तो अब देखिए कंपनी के साथ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो स्टॉक इतना देर से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब वो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मोमेंटम नहीं दे रहा है, जैसे कंपनी में जो भी प्रॉब्लम है, कंपनी जिस कारण से अपना सेल्स नहीं बढ़ा पा रही है, प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, वो प्रॉब्लम जिस दिन इस शेयर से खत्म हो जाएगी, इस कंपनी से, ये स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो आप सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पे ध्यान दीजिए, फिर कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर शेयर प्राइस में देखिए कि कौन सा लेवल बेस्ट है। जैसे कि इसमें जो है 3 रुपीज बेस्ट लेवल है, 3 रुपीज के आसपास देखते हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रहा है, 4 रुपीज और 3 रुपीज के बीच, तो 4 रुपीज और 3 रुपीज के बीच जब भी मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो आपको कम ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है। कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है लेकिन आपको उम्मीद है कि आगे सुधार हो सकता है, तब इन्वेस्ट करना। अगर फंडामेंटल में सुधार होने की कोई संभावना ही नहीं है तो इसमें 100 रुपया लगाना भी काफ़ी व्यर्थ होगा, मतलब वो आपका 100 रुपया बेवजह का चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए 100 रुपया भी इन्वेस्ट तभी करेंगे जब कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होना हो आने वाले समय में। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3 रुपीज 4 रुपीज बेस्ट लेवल है इसमें इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पर करेक्शन का वेट कीजिए, कभी भी हायर लेवल पर मत फंसीए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो कौन, बायोफिल केमिकल। बायोफिल केमिकल यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक मात्र 7 रुपीज़ का हुआ करता था, 7 रुपीज़ से कहाँ चला गया, 350 रुपीज़। अब कोई 350 रुपीज़ पर इसमें इन्वेस्ट करेगा और अभी आप देख लीजिए 126 रुपीज़ पा चुका है, तो उनका क्या हाल होगा। जो 350 रुपीज़ पर इन्वेस्ट किए होंगे उनका लगभग 62% का लॉस है। तो दोस्तों समझ सकते हैं 62% का लॉस वो कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं हायर लेवल पर मत फंसिए। इस तरह के जो स्टॉक होते हैं, जो पैनी शेयर्स, ये भी पैनी शेयर्स था क्योंकि 7 रुपीज़ इसका प्राइस था, और इस तरह के पैनी शेयर्स में अगर आप हायर लेवल पर फंस जाते हैं तो फिर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इसलिए इस तरह के शेयर में आपको नीचे के प्राइस पे ही इन्वेस्ट करना है, जो नीचे का प्राइस है 6 रुपीज़ 8 रुपीज़ 7 रुपीज़, इस प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न हमें प्राप्त होगा आने वाले समय में। और देख लीजिए यहाँ से कितना का रिटर्न दिया है, लगभग 4000% का रिटर्न दिया था यहाँ से ये कंपनी। अगर आप इस यहाँ पर गिरावट में बाय करते, अगर काफ़ी पहले बाय अगर इन्वेस्ट किए रहते 2019 के ही सितंबर में, तो यहाँ पर 7000% का रिटर्न मिल रहा था। तो इतना अच्छा रिटर्न कब मिलेगा, जब आप
कंपनी का शेयर प्राइस अपना बॉटम बना रहा है, बॉटम पर। तो बॉटम जब है अब इसका, तो उस समय इन्वेस्ट करना है। तो बॉटम का पता चलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी ईयर ले लीजिए, वन ईयर का चार्ट लेते हैं, देखिए यहाँ इसी प्राइस रेंज पे 12 रुपीज़, 9 रुपीज़, 8 रुपीज़, 7 रुपीज़, 6 रुपीज़, इसी पर यहाँ पर ऊपर जाता था, नीचे आता था। अगर 10 रुपीज़ जाता है फिर 8 रुपीज़ पर आता है, 8 से फिर 10 जाता है। तो यहाँ पर हमें बॉटम पता चल गया कि 8 और 10 के बीच ही एक कंपनी का शेयर प्राइस मूवमेंट करे, यही बॉटम है। तो वहाँ पर हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। उसी तरह दूसरा है जो स्टॉक है हमारा ऊर्जा ग्लोबल, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये स्टॉक। ये भी स्टॉक देख लीजिए, यहाँ पर मात्र 90 पैसे पर चलता था, 1 रुपीज़ पे। अभी इसका करेंट प्राइस है 7 रुपीज़ 85 पैसा, और ये भी 3% डाउन है। तो मार्केट में गिरावट के साथ इसमें भी डाउन देख सकते हैं। सुबह में अगर आप देखेंगे तो सुबह में देख लीजिए, सुबह में ये सर्किट के साथ ऊपर ओपन हुआ, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आया तो इसमें भी सेलिंग का प्रेशर आया। जो प्रॉफिट बुकिंग अभी हायर लेवल पे चल रहा है, तो उसके कारण मार्केट के साथ साथ इस स्टॉक में भी गिरावट आया। इस स्टॉक में देखिएगा तो काफी रिटर्न कमाया था इन्वेस्टर ने, लगभग 900% का रिटर्न ये भी स्टॉक दिया था। तो इस स्टॉक को भी आप वेट एंड वॉच कीजिए, नीचे आने दीजिए। जैसे इसका 3 रुपीज़ के आसपास इसका भी देख सकते हैं, यहाँ पर बेस लाइन है, बॉटम जो है इसका, मतलब यहाँ पर जो इसका सपोर्ट लेवल एक तरह से कहिए 3 रुपीज़ पे है। इस तरह के पैन स्टॉक में कोई सपोर्ट काम नहीं करता है, क्योंकि ये सर्किट के साथ ऊपर जाएगा, सर्किट के साथ नीचे आएगा। इस तरह के स्टॉक में पहला तो आपको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जैसे आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का है तो 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, और 100 रुपया नीचे के प्राइस पर इन्वेस्ट करना है, जब इसका प्राइस जो है काफ़ी कम हो। उसके बाद अगला है हमारा उजास एनर्जी लिमिटेड, ये भी बेहतरीन स्टॉक में से एक कहा जाता है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों देख लीजिए, ये भी एक पैनी स्टॉक्स है, पैनी स्टॉक का फंडामेंटल्स पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये देखिए कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के कंपनी डिविडेंड भी पे करे, फंडामेंटल्स भी अच्छा हो, तो आप इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये छोटे लेवल पे कंपनी है और धीरे धीरे अपना बिजनेस काफ़ी बड़ा लेवल पे ले जाते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो लेकिन इस कंपनी का शेयर प्राइस देखिएगा 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, तो ये अपने प्राइस रेंज में ही है। बीच में ये काफ़ी ऊपर गया था लगभग 10 रुपीज़ के आसपास, लेकिन फिर से ये स्टॉक जो है काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो इस तरह से जब ये बॉटम लाइन पर अभी मिल रहा है, तो अभी बेस्ट टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखें तो ये भी शेयर प्राइस कभी 40 रुपीज़ का हुआ करता था 2016 में। अभी इसमें जैसे बेस्ट टाइम चल रहा है, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो करेक्शन के साथ इसमें भी गिरावट आएगा। जैसे 10 पैसा का देखते हैं, 5 पैसा का एक दिन में गिरावट हो रहा है, धीरे धीरे ये 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ के बीच आपको मिलने लगेगा, तो सबसे बेस्ट टाइम होगा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है हमारा जेनिथ हेल्थ केयर, ये भी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर के पसंदीदा शेयर हैं। जैसे तेजी देखते हैं, अब इसमें काफ़ी दिनों से तेजी था, देख सकते हैं यहाँ पर फार्मा सेक्टर के जो भी स्टॉक है सब में तेजी था। मात्र 80 पैसा का शेयर ये जा चुका था, मतलब 14 रुपीज़, 15 रुपीज़ तक, और यहाँ पर 1600% का रिटर्न, 1600% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा था। और यहाँ से ये लोअर सर्किट के साथ लगातार देखते हैं नीचे आ रहा है, अपना हाई बनाया लगभग 16 रुपीज़ पे, और वहाँ से लगातार देख सकते हैं नीचे आ रहा है, और ये लगभग 11% करेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह से जैसे जैसे ये करेक्ट होता है, नीचे के प्राइस पे मिलता है, तो इसका जो प्राइस रेंज होगा, अब तो ये 1 रुपीज़ पे आपको नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी आप 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ के आसपास अगर ये मिल जाए, तो आप चाहे तो जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें आप कितना बाय करेंगे, मेरा तो होता है जैसे हम अच्छे अच्छे स्टॉक जो है 3000 रुपीज़ का, उसको एक स्टॉक बाय करते हैं, तो एक स्टॉक पैनी शेयर भी बाय करते हैं, मात्र एक शेयर, फिर उसमें एक बाइंग करेंगे, मतलब हम जो SIP करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट इसी तरह होता है, जब जब बाय ऑन डिप्स करना है, जब जब मार्केट क्रैक्स होता है, मार्केट में बड़ा गिरावट आता है, उस गिरावट में आपको बाय करना होता है। तो हम गिरावट पे जैसे किसी का 5 शेयर बाय करते हैं अच्छी कंपनियों का, जो जिसका प्राइस जो है शेयर का 2000 रुपीज़ है, 3000, 4000 रुपीज़, तो इसका भी 5 शेयर्स बाय करेंगे, तो इतना कम अमाउंट में हम बाय करते हैं। अब आप एक ही बार कमेंट करते हैं कि 1000 जो है शेयर हम इसका बाय कर लिए हैं, कोई 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 तो कमेंट करता है हम 3 लाख रुपये का बाय कर चुके हैं इसको। तो दोस्तों उतना अमाउंट मत इन्वेस्ट करें, आप थोड़े थोड़े अमाउंट इसमें लगाएं, थोड़े थोड़े अमाउंट से जब आपका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो वही कैपिटल बढ़ेगा, तो उसी कैपिटल को जब बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे छोटे छोटे शेयर में लगाना है उसी कैपिटल को। अगला है ट्रिडेंट लिमिटेड, दोस्तों ये पैनी शेयर्स नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इतना ही हम इसमें इन्वेस्ट कर दें, इतना कर दें, इसका देखिए डिविडेंड यील्ड 3% का है। साथ ही साथ ये स्टॉक जो था 60-70 रुपीज़ का था, तो वहाँ से स्प्लिट होकर के 6 रुपीज़ पे आया था, और वहाँ से इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया। 4 रुपीज़ का स्टॉक देखते हैं, 14 रुपीज़ पे मिल रहा है,
तो ये स्टॉक का बिजनेस भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से किसी वीडियो में डिटेल में इस स्टॉक के बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका चार्ट भी देख लीजिए, टेक्निकल चार्ट देखिए काफी सॉलिड है। कंपनी शेयर प्राइस में कभी थोड़ा बहुत गिरावट आया लेकिन ओवरऑल देख लीजिए ये लगातार अप ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है। थोड़ा सा ये साइकिल प्रोसेस में चलता है, अप साइकिल डाउन साइकिल, तो ये फिर से अप साइकिल में है और कंपनी का शेयर प्राइस जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं कि 5 ईयर्स के लिए हम इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो फिर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही बार सारा अमाउंट नहीं डालना है, हो सकता है यहाँ से शेयर प्राइस नीचे मिले, मतलब आने वाले समय में करेक्ट हो शेयर प्राइस, तो नीचे के भाव पर आप और बाय करेंगे, अभी बाय करेंगे फिर नीचे के प्राइस पर बाय करेंगे, और नीचे आएगा तो और नीचे के प्राइस पर बाय करेंगे। इस तरह से एवरेज रूप से आपका जो बाइंग लेवल होगा काफी अच्छा होगा, तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगला हमारा यस बैंक लिमिटेड, यस बैंक इसका करेंट प्राइस है 70.10 रुपीज। ये स्टॉक काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि यस बैंक जो है 100 रुपीज़ जाएगा, कोई कहता है 200 रुपीज़ तक यस बैंक जाएगा। दोस्तों अब इसमें लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ चुका है, जब लिक्विडिटी के बाद स्टॉक का जो प्राइस होता है वो उतना मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी अधिक है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक इस स्टॉक में आपको खास मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। देखिए 1 ईयर से स्टॉक में जो OFS आया उसके कारण गिरावट आया, नहीं तो ओवरऑल स्टॉक एक ही प्राइस पर लगातार, मतलब यहीं पर देख सकते हैं करेक्ट हो रहा है। एक यहाँ से 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसमें भी आपको रिटर्न तभी मिलेगा जब लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहेंगे। कंपनी का फंडामेंटल्स जैसे जैसे इम्प्रूव होगा तो उसी के साथ आपको इसमें भी रिटर्न मिल सकता है, अदरवाइज अभी आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ आप जाएं, कंपनी के बिजनेस के साथ, अगर कंपनी का बिजनेस इंप्रूव होता है, फंडामेंटल धीरे धीरे सही होता है, तो आपको इसमें आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आलोक इंडस्ट्री, इसमें भी काफ़ी दिनों से, मतलब ये इन्वेस्टर को काफ़ी दिनों से परेशान कर रखा है। देख सकते हैं यहाँ से सेप्टेम्बर से एक ही प्राइस पे ये भी मूव करा और इस बार जो रिजल्ट आया 35 करोड़ का लॉस है, लेकिन लॉस काफ़ी पहले ज़्यादा था, अब लॉस काफ़ी कम हुआ है, मतलब कंपनी का रिजल्ट जो इम्प्रूव हुआ है। इसी तरह रिजल्ट जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, कंपनी का बिजनेस में प्रॉफिट जब तक नहीं होगा, आपको शेयर प्राइस में कुछ खास देखने नहीं मिलेगा। जैसे इस कंपनी का भी बिजनेस में सुधार आता है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिट में करती है, तो आपको इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आगे देखने मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए वन साइडेड मोमेंटम दिया था लगभग 1200% का, और उसके बाद यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार करेक्ट हो रहा है, और तो अभी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको इसमें इन्वेस्ट करने का। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, कभी भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें इस तरह के शेयर में। और इसमें हमारा जो अगला स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। ये Network18 इसकी पेरेंट कंपनी है, तो आपको Network18, TV18 ब्रॉडकास्ट, डेन नेटवर्क, हाथवे केबल, ये सारे एक में मर्ज हो जाएंगे, तो आपको Network18 के ही शेयर मिलेंगे, जिसका रेशियो जो है हमने कई सारे वीडियो में बताया है, उसी रेशियो में आपको स्टॉक्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस कंपनी का जो रिटर्न है काफ़ी बेहतरीन दिया है, जब से मर्जर का मतलब अनाउंसमेंट हुआ, ये कंपनी वन साइडेड यहाँ से मोमेंटम दिया अपने इन्वेस्टर को 200% का रिटर्न। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन जब कंपनी मर्ज होगी तो लगभग वर्चुअली डेट फ्री हो जाएगी, चारों कंपनी एक साथ जब मर्ज होगी तो। और कंपनी की जो कंसोलिडेट प्रॉफिट है 300 करोड़ से ज़्यादा है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, तो इन कंपनी में शेयर में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, तो अभी इन्वेस्ट कीजिए तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिलेगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।